सीपी सिंह साहब, आपका हमारे एसएम न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि आजकल जितनी भी पार्टीज हैं, या मैं सिर्फ बहुजन बात समाज की बात करूंगा, मनु व्यवस्था या मनु स्मृति या मनु व्यवस्था के लोग जो हैं, और उनका और बहुजन समाज के लोगों का बीच में आप इसमें टकराव क्यों रहता है? टकराव तो देखो विचारधारा का है सिंह साहब, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उनकी तो विचारधारा मनु स्मृति ये वर्णों पर आधारित वो व्यवस्था चाहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। टकराव विचारधारा का है। हम कहते हैं जो बाबा साहब ने कहा, और एक संवैधानिक तौर पर सबको समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार हर नागरिक को, भारत के नागरिक को है, तो वो ऐसा नहीं चाहते। वो ऊंच नीच की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जो गुलाम थे वो गुलाम रहें, वो कभी ऊपर ना आए। तो विचारधारा का टकराव है। हमारा जो काशीराम जी जो छोड़ के गए हैं ना, कि कौम अब सोई नहीं, अब जाग गई। आपने देखा होगा 2 अप्रैल को बड़ा ज़बरदस्त जो इस कौम ने अपना एक दिखाया है ट्रेलर, मैं समझता हूँ उसी प्रयास में हम सुरेंद्र जी लगे हुए हैं। हमारा जो मकसद है सिर्फ ये है कि हम जितनी भी हमारी जातियाँ हैं, देखिए हमारी जातियों को इन चालाक लोगों ने जातियों में हमारे समाज को बांट दिया, बाकी आज तो किसी ने नहीं बांटा। आज हमें एक होने से कौन रोक रहा है? आज तो हम एक हो सकते हैं ना। तो हम यही अपने भाइयों से सिर्फ निवेदन करते हैं कि उन लोगों ने हमें बांटा, आज हमें किसी ने नहीं बांटा, वरना कोई हमारे पर दबाव है कि आप बटे रहिए। हम कहते हैं आप हमारा सभी जितनी भी ये जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति, जो विभिन्न छोटी जातियों में, जाति में से जाति, जाति में से जाति, और अगर पीछे जाएंगे तो हम सब एक दादा की औलाद निकलेंगे। हमारा ब्लड एक है, हमारे पूर्वज एक थे।